ड्राइवर को लेके एक बड़े इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूँ। आप इस समय मेरी एवरेज देख रहे हो 13.9 आ रहा है, राइट। कंपनी क्लेम करती है मेरे ख्याल से 17 या 19 के करीब शायद कुछ कंपनी क्लेम करती है, वो ऑफिशियल अभी आपके सामने मैं फोटो में दिखा दूंगा कितना क्लेम करती है। अब मेन बात आती है कि मैंने ना कई लोगों के मुंह से सुना है कि यार ड्राइवर की ना एवरेज नहीं निकल पा रही है। इसका एवरेज निकालने का ना एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, हमने इस बात को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना है कि ये गाड़ी 1000 cc की है जिसकी BHP 72 है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि हम इसको बहुत भगा सकें, उसको अपना क्या कहते हैं एक्सेलरेशन इतना ज्यादा दें कि भाई बस ये भागती रहे भागती रहे, जैसे आमतौर पर हम थोड़ी हैवी ड्यूटी कार्स के साथ कर देते हैं। इसमें आप ये देख रहे हो हमारा ये RPM बना हुआ है, राइट। अब RPM यूजली कहा जाता है, अगर आपको ड्राइवर के अंदर बेस्ट एवरेज निकालनी है तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो बात करते करते एवरेज 13.9 से 14 हो गई, तो ऐसे इसकी एवरेज भी ऊपर नीचे होती रहती है। लमसम मुझे मेरी ड्राइवर जो है वो 16-17 के अराउंड एवरेज दे देती है। कल मैं थोड़ा जैम में फंस गया था, इस चक्कर में ये कम हो गई है। एक दो दिन चलूंगा तो 16-17 पे नॉर्मल आ जाएगी। अभी आप जो मैं मेन बात है RPM देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राइवर की एवरेज बड़ी मस्त निकलती रहे तो जो 2 RPM के ऊपर कोशिश करना ना ही लेके जाओ। 2.5 तक भी मैक्सिमम है, वो भी तब है कि भाई हाँ आपको थोड़ा भगाना है। जैसे देखो 70 पे है, यूजली मैं इसको 60 के अराउंड चलाता हूँ, तो ये आप चाहो तो इसको 2 पे कर सके, यानी कि आपका RPM 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपके ड्राइवर की एवरेज बहुत इम्प्रूव होती है, बहुत ज्यादा। और 2-3 बातें हैं आपका ड्राइवर के साथ क्या है, आप इसको अगर नॉर्मली चलाएंगे 2 RPM के अंडर चलाएंगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर ना आपको ना इंजन से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये अंडर पावर है, इसमें ताकत नहीं आ रही, इसमें मजा नहीं आ रहा, वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आराम से चलाओ 2 RPM तक, 60-70 के अराउंड तक की आपने स्पीड रखनी है, और आप देखोगे आपकी ड्राइवर की एवरेज इम्प्रूव होगी, आपका इंजन भी अच्छा रहेगा, गाड़ी का फीडबैक आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय दिस। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि आप देख लो मेरे 23,000 किलोमीटर हो चुके हैं, तो ये भी नहीं है कि मैंने कल परसों गाड़ी ली है, मुझे 2-2.5 साल हो गए गाड़ी लिए हुए और 23,000 के करीब 23,000 से ऊपर ही चल चुकी है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ अगर आप ड्राइवर को 2 RPM तक में रखोगे तो ये गाड़ी आपको एवरेज बहुत अच्छी देगी, 2.5 में भी अच्छी देगी, वो बात नहीं है कि नहीं देगी, बट ये है 2.5 के अंदर एवरेज का बढ़ने का जो स्केल है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन 2 में रखोगे तो बहुत जल्दी आपकी ड्राइवर की एवरेज इम्प्रूव होगी और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और आप लोगों के पास ड्राइवर है या कौन सी कार है या आपका कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी की एवरेज ठीक करते हो, मुझे प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड ड्राइव कंफर्टेबली, ठीक है, आराम से चलानी गाड़ी को, गुस्सा नहीं करना है, रिलैक्स कूल होके मस्त होके अच्छे गाने सुन के AC चला के ठंडा होके हमने अपनी गाड़ी को चलाना है हमेशा। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, ओके।